यूएस ने स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और चाइना थ्रेट का परसेप्शन क्रिएट होना शुरू, और वो परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ कि चाइना मॉडल जो है वो एक यूनिक मॉडल है. ऑफ कोर्स एक कैपिटलिज्म का रिस्पांस है, न्यू लिबरल ऑर्डर का रिस्पांस है, लेकिन अपनी यूनिकनेस और नुएंसेस के साथ वो एक रिस्पांस. तो ऐसे रिस्पांस के साथ डील करने के लिए मे बी वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज नॉट रियली रेडी. तो उस अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से ऐसे कंफ्यूज और रिडक्शनलिस्ट रिस्पॉन्स आए हैं वेस्ट की दुनिया से. जैसे कि एक फ्रेमवर्क है कि चाइना इज अ जियोपॉलिटिकल पावर. चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो इस वक्त की वेस्टर्न दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और चाइना रिवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स 17th एंड 18th सेंचुरी स्टेट मेकिंग फ्रेमवर्क्स पे. चाइना स्टेट के मॉडल पे यकीन रखता है, इसीलिए चाइना कहता है कि आई एम परसुइंग मॉडर्निटी विद सोशलिस्ट कैरेक्टर एंड चाइनीज पर्सपेक्टिव. तो ये सोशलिस्ट कैरेक्टर्स और चाइनीज पर्सपेक्टिव बेसिकली रिवर्ट कर रहे हैं इस दुनिया में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो स्टेट पे यकीन रखता है ना कि मार्केट. चाइना कंसिस्टेंट है क्योंकि चाइना ऐसी ही रियलिटीज एक्सपीरियंस कर रहा है इंडोनेशिया में भी, लाओस में भी, और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में भी. तो वहां पे भी जहां जहां एक्चुअली गवर्नेंस मॉडल्स वीक हैं, जहां जहां इंटरनल गवर्नमेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चलती हैं, क्योंकि हम भी हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, तो वहां वहां चाइना हैज प्रैक्टिस्ड ऑल दिस. तो इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर चाइना. तो चाइना को पता है, लेकिन इसमें ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव है ना कि चाइना पे ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का, और हम डिफरेंट लेते हैं और फिर उसके बाद हम बड़े कंफ्यूज्ड और बड़े वेग नैरेटिव्स बनाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल एक इंडियन नैरेटिव का है, विच इज द डेट क्राफ्ट डिप्लोमेसी. वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट. हमारे साथ हैं मोहतरमा आयशा मलिक इस्लामाबाद से. आयशा मलिक साहबा अपनी पीएचडी कर रही हैं और ये इनका स्टडी का फोकस ये है कि हाउ चाइनीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर परसीव्ड इन द वेस्ट. सो आई होप कि मैंने ये करेक्टली इसको पुट कर दिया है. और फैकल्टी मेम्बर हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में. तो आयशा मलिक साहबा, आप अपने ये जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जिसमें आप देख रही हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड चाइनीज डेवलपमेंट को कैसे देख रहा है, तो इसमें आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, कैसे देखता है वेस्ट चाइना की तरक्की को, डेवलपमेंट को? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर हसन. और व्हाइल परसुइंग माय पीएचडी एंड व्हाइल गोइंग थ्रू ऑल दिस एक्सटेंसिव स्टडी, जो मैंने अभी तक रियलाइज किया है वो ये है कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड में देर आर दीज सर्टेन प्रोग्राम्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस और ग्लोबल गवर्नेंस के लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर. उस ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस में जो प्राइमरली गाइडिंग प्रिंसिपल है वो लिबरल ऑर्डर है, और उसके अंदर फिर न्यू लिबरल प्रोग्राम्स हैं, और उसके साथ में जो कैपिटलिज्म का प्रोग्राम है वो ऑपरेट करता है. इस कैपिटलिस्ट लिबरल और न्यू लिबरल ऑर्डर में ऑफकोर्स इट्स वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट. वेस्ट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थ्रू ब्रेटन वुड सिस्टम, और उसके बाद डिफरेंट फेजेस में इसकी कंस्ट्रक्शन के फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए हैं पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया ने इसको डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड किया है अपनी कॉन्टेक्चुअलिटीज के साथ. इसी तरह चाइना भी एक रिस्पॉन्स है. मैं इसको जिस तरह से देख रही हूँ वो ये है कि चाइना कैपिटलिस्ट या न्यू लिबरल या लिबरल ऑर्डर के आउटसाइड बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है. वो 100% उसका एक रिस्पॉन्स है, उसके अंदर डेवलप हुआ है. उसी ने उसको ये मौके फराहम किए हैं कि वो अपने आप को ओपन इकोनॉमी में लाए, जो कि 1979 के बाद लाया ओपनिंग अप एरा के थ्रू. और उस ओपनिंग अप एरा के बाद चाइना ने विद इन 3 decades टाइम जिस रैपिड प्रोग्रेस को एक्सपीरियंस किया है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, वो शॉकिंग भी है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने ऐसी तमाम मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 centuries एक्सपीरियंस किया है. 3 to 4 decades में इसको बहुत रैपिड ग्रोथ पे एक्सपीरियंस करना ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा शॉक है. तो उस पर वेस्टर्न रिस्पॉन्स डेकेड बाय डेकेड आए हैं. फर्स्ट डेकेड में वेस्ट एंड द लार्जर वर्ल्ड लुक्ड एट चाइनाज राइज एज अ ग्लोबल पार्टिसिपेंट, और उसके लिए जगह बनाई गई, और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दी गई, और उम्मीद यही थी कि चाइना जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह अपना पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि चाइना बिकेम द वर्ल्ड फैक्ट्री, और चाइना पूरे मौके फराहम करेगा पूरी दुनिया को अपने साथ प्रोग्रेस करने पे, और फाइनली एक लिबरल इकोनॉमिक वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर जाएगा. लेकिन ये ट्रांजिशन हुई नहीं, और ऐसा हुआ कि 2010 के बाद यूएस ने स्पेशली बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, और चाइना थ्रेट का परसेप्शन क्रिएट होना शुरू हुआ,
और वो परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ कि चाइना मॉडल जो है वो एक यूनिक मॉडल है. ऑफ कोर्स एक कैपिटलिज्म का रिस्पांस है, न्यू लिबरल ऑर्डर का रिस्पांस है, लेकिन अपनी यूनिकनेस और नुएंसेस के साथ वो एक रिस्पांस है. तो ऐसे रिस्पांस के साथ डील करने के लिए मे बी वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज नॉट रियली रेडी. तो उस अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से ऐसे कंफ्यूज और रिडक्शनिस्ट रिस्पॉन्सेज आए हैं वेस्ट की दुनिया से. जैसे कि एक फ्रेमवर्क है कि चाइना इज अ जियो पोलिटिकल पावर, और चाइना इज अ जियो इकोनॉमिक पावर, और चाइना इज अ जियो स्ट्रेटेजिक पावर. हाँ, चाइना की एक ग्लोबल ग्रैंड स्ट्रेटजी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन चाइना उसको कॉन्टेक्चुलाइज बिल्कुल डिफरेंट एंगल से करता है जो वेस्टर्न दुनिया की इमेजिनेशन से डिफरेंट है. सो आई सी इट कि ये डिफरेंट पोलिटिकल रियालिटीज का कोलिजन है. एक पोलिटिकल रियालिटी जो वेस्ट ने आइडियलाइज की और ओवर 7 to 8 decades उसको एक्सपीरियंस किया, और एक ऐसी पोलिटिकल रियालिटी जो बड़ी नई है जो चाइना मॉडल के थ्रू हो रही है. तो वेस्ट इज स्टिल एज येट अनप्रिपेयर्ड एंड कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड कि चाइना मॉडल है क्या और कैसे कर रहा. और मुझे लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल लॉ का है. चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंटरनेशनल लॉ वो इस वक्त की वेस्टर्न दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और चाइना रिवर्ट कर रहा है टुवर्ड 17th एंड 18th सेंचुरी स्टेट मेकिंग फ्रेमवर्क्स पे. चाइना स्टेट के मॉडल पे यकीन रखता है, इसीलिए चाइना कहता है कि आई एम परसुइंग मॉडर्निटी विद सोशलिस्ट कैरेक्टर एंड चाइनीज पर्सपेक्टिव्स. तो ये सोशलिस्ट कैरेक्टर्स और चाइनीज पर्सपेक्टिव्स बेसिकली रिवर्ट कर रहे हैं इस दुनिया में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो स्टेट पे यकीन रखता है ना कि मार्केट पे. आपकी इस बात से दो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं. एक तो आपने कहा कि जो वेस्ट ने पहले हेल्प किया चाइना को डेवलप होने में, और उसमें हेनरी किसिंजर साहब का एक बहुत बड़ा रोल था. ही वांटेड चाइना टू ग्रो बिग एंड फास्ट, और उसमें अमेरिका का किरदार ये रहा है कि अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड की है. अभी भी तकरीबन $600 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की चाइना से, नियरली 585 समथिंग ऐसा कोई फिगर है. लेकिन उसके साथ ही जो आपने 2010 का जिक्र किया, जहां पे वेस्ट ने जो चाइना की तरक्की को मुख्तलिफ तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो 2010 के बाद 2014 में जब सीपैक आया पाकिस्तान में, तो सीपैक को भी बहुत ही एप्रीहेंशन के साथ, तहफुजात के साथ देखा गया वेस्ट में, और चाइनीज एक्सपेंशनिज्म के साथ उसे रिलेट किया गया. उसकी जो अरेबियन गल्फ के अंदर प्रेजेंस हो जाएगी उसको एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया. सो इस बारे में क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बाद से? इज द वेस्ट स्टिल वरिड अबाउट चाइनीज एक्सपेंशनिज्म और इज इट समथिंग एल्स नाउ? हाँ बिल्कुल. एक्चुअली बात ये कि चाइना वॉज सेलिंग ऑल दीज प्रोपोजिशंस ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट ऑन वन पर्सपेक्टिव, एंड दैट वॉज कि हम इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे बिकॉज वी बिलीव इन होल्डिंग अप इंटरनेशनल लॉ, वी बिलीव इन होल्डिंग अप इंटरनेशनल वैल्यूज एंड नॉर्म्स. तो हम गुड गवर्नेंस की जो इम्प्लीकेशन है जो कि वेस्ट देता है पूरी दुनिया में डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वेस्टर्न ऑर्डर जहां पे भी जाता है डेवलपमेंट के लिए तो वो असेंशली एक इम्प्लाई करते हैं, एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि गुड गवर्नेंस होगी तो ओनली देन वी वुड प्रोसीड विद आवर डेवलपमेंटल फाइनेंस, विद आवर लोन्स, विद आवर एड्स. लेकिन चाइना ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाता. तो वेस्टर्न दुनिया बिल्कुल परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है. और अगर आप वेस्टर्न ऑथर्स का काम देखें इस वक्त का, जो कि बड़े बड़े थिंक टैंक्स में बैठे हैं और जहां से पॉलिसी नैरेटिव जिसको एपिस्टेमिक कम्युनिटी कहते हैं, तो जो वेस्टर्न एपिस्टेमिक कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा ओवरटेकन है जियोपॉलिटिकल और जियोस्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स के साथ, और ग्राउंड रियलिटीज को डील करने से थोड़े से रिलक्टेंट है. और ग्राउंड रियलिटीज ये है जो कि चाइनीज ऑथर्स बताते हैं, वो ये है कि चाइना ने बिल्कुल लिबरल मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन चाइना के अंदर बड़े ऑर्गेनिक पैटर्न्स हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट्स देती है. नाउ लोकल गवर्नमेंट इज गिविंग एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट टू लोकल SOEs, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं. तो इसमें कोई प्लान्ड चीज नहीं है, एक बड़ा ऑर्गेनिक सा पैटर्न है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम लिबरल मॉडल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जरा ज्यादा स्ट्रांग है तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट उनमें करते हैं. तो चाइना एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है जो मुझे लगता है कि वेस्टर्न ऑथर्स के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनकी रियलिटी डिफरेंट है. मुझे तो लगता है कि हमारे लिए भी जरा मुश्किल रहा है चाइना को समझना. जो पाकिस्तान में पिछले 10 साल में हमने सीपैक के साथ किया है,
सीपैक का यस मनसूबा तो बड़ा जोरों शोर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर उसके अंदर अजीब और गरीब बातें सुनने में आई। एक तो पहले एक यहाँ तक भी बात सुनने में आई कि चाइनीज जो हैं वो हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे वो लैंड खरीद रहे हैं, फिर वो हमारी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ये एक किस्सा शुरू हो गया यस था। और इस तरह की और बहुत सी बातें थी कि हम खुद कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, जब उनका सारा यहाँ पे माल आएगा तो हमारे माल का क्या होगा, लोकल इंडस्ट्री का क्या होगा। देयर वर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइजिंग एट दैट टाइम। और बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सिक्वेंटली फिर यहाँ पे जब खान साहब की गवर्नमेंट में सीपैक अथॉरिटी बनी, फिर उसको डिसमेंटल कर दिया गया। सो वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है ये। चाइना इसको कैसे देख रहा है जो पाकिस्तान करता आ रहा है पिछले 10 साल में? चाइना कंसिस्टेंट है क्योंकि चाइना ऐसी ही रियलिटीज एक्सपीरियंस कर रहा है इंडोनेशिया में भी, लाओस में भी और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में भी। तो वहां पे भी जहां जहां एक्चुअली गवर्नेंस मॉडल्स वीक हैं, जहां जहां इंटरनल गवर्नमेंट जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चलती हैं, क्योंकि हम भी हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, तो वहां वहां चाइना हैज प्रैक्टिस्ड ऑल दिस, तो इट इज नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर चाइना, तो चाइना को पता है। लेकिन इसमें ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नैरेटिव है ना कि चाइना पे ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का, और हम डिफरेंट लेते हैं और फिर उसके बाद हम बड़े कंफ्यूज्ड और बड़े वेग नैरेटिव्स बनाते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल एक इंडियन नैरेटिव का है, विच इज द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का वर्ड है, 2017 में इंडियन थिंक टैंक्स और इंडियन यूनिवर्सिटीज ने प्रोड्यूस किया, और उसके बाद ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए जो सिग्निफिकेंट इवेंट था वो श्रीलंकन पोर्ट थी। तो श्रीलंकन पोर्ट के साथ चाइना के लोन्स और एड्स की कंडीशंस जाने बगैर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया, जो कि एक एब्सोल्युटली मिथ है, और डेटा ये शो करता है कि ये एक मिथ है, क्योंकि चाइना हर गवर्नमेंट के साथ दो तीन मॉडल्स पे अपने फ्रेमवर्क को प्रोसीड करता है। वो ये है कि आपकी इंटरनल गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आपने लोन्स और एड किन कंडीशंस पे लेने हैं, राइट? जैसे कि सीपैक के अंदर बहुत सारा शेयर इक्विटी का है, हमारे बहुत सारे लोन्स और एड्स जो हैं वो चाइनीज कंपनीज के साथ इक्विटी मॉडल पे हुई है, जिसमें वो 17% शेयर होल्ड कर सकती हैं, बट 1% जो शेयर होल्ड करता है वो 100% शेयर होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन कॉम्पिटिशन है, ओपन इन्वेस्टमेंट मॉडल है। तो ये समझने की जरूरत है कि चाइना ने हर गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट पैटर्न पे किया हुआ, तो जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि ये डेट ट्रैप है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वीकनेसेस का सारा जो मलबा है वो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल पे 100% जाएगा। जो वेस्ट के इदारे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, जिस तरह से वो एंगेज करते हैं थर्ड वर्ल्ड के साथ और थर्ड वर्ल्ड के पॉवर्टी प्रॉब्लम्स के साथ और थर्ड वर्ल्ड के इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो डेफिनेटली दे आर जस्ट फॉर सेइंग कि ये जब चाइना जहां जहां से विड्रॉ करेगा तो हमें दोबारा से स्पेस फिल करनी पड़ेगी, तो इसलिए भी वो थोड़े से ऑफकोर्स कन्फ्यूज हैं और अप्रीहेंसिव हैं। और जो अभी इस वक्त सूरत हाल हुई है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान के KP और बलूचिस्तान, जहाँ पे ज्यादा जो फेज वन था सीपैक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था, सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में चाइना कैसे देख रहा है? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चाइना बड़ा परसिस्टेंटली पेशेंस प्रैक्टिस कर रहा है, और जितनी भी बार हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी कंडीशंस क्रिएट सिचुएशंस क्रिएट हुई चाइनीज ऑफिशियल्स पे और चाइनीज रेजिडेंट्स पे, गवादर में भी और कराची में भी और उससे पहले KPK के बॉर्डर्स के साथ भी, तो चाइना ने कुछ हमें प्रपोजल्स दिए हैं, जिसमें से प्राइमरी प्रपोजल ये है कि आप हमारी जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स हैं उनको एंगेज करें, क्योंकि चाइना जहां पे भी सीपैक और BRI गया है वहां पे सिक्योरिटी के तीन आइडियाज वो लेके जाते हैं। वन, कि आपकी लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जो कि हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने स्पेशल डिवीजन्स भी बनाए हैं, स्पेशल यूनिट्स भी बनाए हैं। नंबर टू, कि आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को हम हायर करें और वो हमें सिक्योरिटी फ्राहम करें, तो ऐसा इंडोनेशिया में हो रहा है। लेकिन नंबर थ्री है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स विद इन चाइना है वो बाहर आके एक्सटर्नली ऑपरेट करें विद इन पाकिस्तान। तो एक तो एक्सटर्नल प्रोग्राम जिसको आप होस्ट कर रहे हैं, विच इज सीपैक, वो भी एक्सटर्नल बॉडी से आए और उसकी सिक्योरिटी भी एक्सटर्नल बॉडी से आए। तो चाइना ये प्रपोज कर रहा है 2014 से। एक बार जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने इस पे सोचा भी, और शहबाज शरीफ साहब ने इस पे इसकी इजाजत देने के बारे में भी सोचा और बात की कि आप अपना फील्ड वर्क कीजिए और हमें बताइए कि क्या सिचुएशन है,
और उसके अकॉर्डिंग हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानी इलीट और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसके हक में नहीं है और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर कोर्स। तो चाइनीज, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है चाइना की प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स, और ये 2017 ऑनवर्ड से इसमें एक बहुत हाइप क्रिएट हुई है। तो चाइना बड़ा एक्सटेंसिवली एक पूरा बहुत बड़ा आर्सेनल क्रिएट कर रहा है प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स का। लेकिन अगर प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स ऑफ चाइना के लिए दुनिया में स्पेसेस नहीं होंगी तो फिर वो इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करेगी। अगर वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो फिर चाइना डेफिनेटली वो स्पेसेस क्रिएट करेगा। तो ये बड़े डिफरेंट से बड़े यूनिक डायनामिक्स हैं विच स्टिल हैव टू अनरेवल देमसेल्व्स। 53 इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे सीपैक के तहत पाकिस्तान में, अब तक महज 2 बन सके हैं, एक शेखुपुरा वाला और एक फैसलाबाद का। पाकिस्तान की तरफ से क्या रुकावटें रही हैं, क्या हर्डल्स हैं इन 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 मंसूबों को कंप्लीट करने की? मुझे लगता है कि चाइना सीपैक जो है वो बेसिकली दैट इज अ ट्रेड एंड एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी, कि या तो आप ट्रेड में करें उसके लिए आप रूट्स बनाएं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएं, कम्युनिकेशन बनाएं, या फिर आप एनर्जी में करें जिसके लिए आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ एक बहुत अहम बात है आईपीपीस की। तो क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ी नेचुरल डिफिकल्टी है अराउंड अ डेकेड नाउ कि आईपीपीस के कोटाज ओपन ही नहीं होते, उसके टेंडर्स ओपन ही नहीं हो रहे हैं, तो आईपीपीस हम ऑफकोर्स जनरेट ही नहीं कर रहे हैं, तो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे कैसे? तो एक तो हमारा इंटरनल गवर्नेंस का बैरियर है जो उसको काउंटर कर रहा है। लेकिन चाइनीज भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो डेटा है सीपैक का वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा उस पे अवेलेबल नहीं है चीजें कि आपने किन टर्म्स पे लोन लिए। मिस मालिक, या दैट्स टू बी आस्क्ड बाय प्रोफेसर एहसन इकबाल, क्योंकि वो प्राइमरी पार्टी थे व्हाइल साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आई विश के उनसे ये पूछा जाए कि बहुत क्लियर डेटा सीपैक की वेबसाइट पे भी नहीं है, सीपैक के प्रोजेक्ट्स में कोई भी नहीं। स्टेट सीक्रेट लेवल का कोई डेटा है इससे इसमें रिलेटेड, कि इसे पब्लिक क्यों नहीं किया जा सकता? डू यू हैव एनी फॉर्म? आई थिंक इट्स टू अवॉइड द वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, लार्जली ये वेस्टर्न क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, और नेचुरली एक तरह से सोचा जाए तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की रियलिटीज डिफरेंट है और हमें वो मौके नहीं मिले। वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस, और हम उस मिसिंग पार्ट में से हैं अनफॉर्चुनेटली। तो मे बी वी आर ऑल्सो डेस्परेट, मे बी वी आर ऑल्सो डेस्परेट। हमारे ये इस तरह भी देखा जा रहा है ना कि ये अगर हम चाइना के साथ ज्यादा अपने ताल्लुकात आगे ले जाएं तो उससे अमेरिका नाराज ना हो जाए, तो यहाँ पे ये एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश होती रही है। लाइक इफ यू वर इन दैट पोजीशन ऑफ मेकिंग दिस डिसीजन, वेयर विल यू स्ट्राइक द बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप? या आई थिंक पाकिस्तान नीड्स अ वेरी प्रैग्मैटिक फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमी। इस वक्त बहुत ज्यादा आपको रियलिस्टिक होकर सोचने की जरूरत है, और प्रैग्मैटिज्म ये रिक्वायर करती है कि क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स विद इन द ऑर्डर अपने आप को खुद वायलेट कर रहे हैं 2007-8, तो इंटरनेशनल नॉर्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें चेंजेस आते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग मीनिंग और न्यू मीनिंग्स का इंटरेक्शन होता है, उससे बनते हैं। तो मे बी इफ आई वुड बी इन अ पोजीशन तो आई वुड थिंक मोर प्रैग्मेटिकली फॉर पाकिस्तान। एंड व्हाट विल दैट बी लाइक, यानी अमेरिका के साथ जाएंगी कि चाइना के साथ जाएंगी? वेयर विल यू पुट योर वेट? या आई थिंक ये बहुत क्रूशल है, बड़ा हमने एक पूरी जनरेशन एक्सपीरियंस की है। फंडामेंटल क्वेश्चन हियर, दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर, कि हमें ये चाइना अमेरिका का बैलेंस जो है उसको कैसे मेंटेन करना है? ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो सकती, ये ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट है। हमने एक बैंड के अंदर 70 साल गुजारे हैं और अब हम दूसरे कैंप में जाना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिशन बहुत। व्हाई जॉइन अनदर कैंप? हम क्या दोनों के साथ एक न्यूट्रल पॉलिसी या बैलेंस पॉलिसी रख के नहीं चल सकते? एब्सोल्युटली Absolutely, that's what I meant by pragmatism. कि आपको आपको बहुत intricate balance लेके चलना चाहिए और आपके policy maker को इतना informed होना चाहिए। Unfortunately, that's the perception and the data shows this. कि maybe जब हमारे policy maker are on the table, they do not have really good bargains to yield from. पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है
उसका उसको कैसे हम फेवरेबल कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, जो अगर ये सी वो इस तरह पैक, की। हाँ लेट्स से कि ये सी पैक के जितने भी मंसूबे हैं, 53 इंडस्ट्रियल जोन्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई डोंट नो इफ एट ऑल व्हेन इट्स ऑल गोइंग टू हैपन, लेकिन इमेजिन कि जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उस सूरत हाल में, इन द इवेंट ऑफ एवरीथिंग इन प्लेस, उस वक्त क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान की और चाइना की पार्टनरशिप की और बैलेंस ऑफ ट्रेड की? अभी इसको प्रिडिक्ट करना इसलिए मुश्किल है कि चाइनीज इंटरनल मॉडल को पाकिस्तान में एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता। अगर आप किसी पार्टनर की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज और वीकनेसेस को देख ही नहीं रहे तो आप उसके साथ किस तरह से बैलेंस मेंटेन करेंगे। चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल पॉलिसी मेकर्स के अंदर उसकी बहुत ही वीक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। चाइना इस वक्त एक स्लम्प एक्सपीरियंस कर रहा है सिंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023, जब चाइना कोविड से बाहर आया है। तो चाइना खुद स्लम्प एक्सपीरियंस कर रहा है और चाइना इस वक्त खुद बहुत ज्यादा इंटेंस डेट ट्रैप में से गुजर रहा है। उसके साथ में हमारे जो न्यू पॉलिसी मेकर्स हैं, न्यू गवर्नमेंट के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि चाइना इज ब्रिंगिंग द पैंडा बॉन्ड्स। तो अगर पाकिस्तानी इस पैंडा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो चाइनीज मार्केट तो खुद एक बहुत सेचुरेटेड मार्केट है इस वक्त। तो आप एक्चुअली अपना बहुत सारा पैसा एक बड़े स्टैटिक पूल में डाल रहे हैं, उसमें से आप कैसे यील्ड करेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली जब पाकिस्तान खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक्सपीरियंस कर रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एक्सपीरियंस कर रहा है। और उसके साथ में पाकिस्तान कर क्या सकता है? पाकिस्तान हैज टू गो फॉर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। एक्सपोर्ट्स पे काम करें, How can इन्वेस्टमेंट that पे be काम achieved? करें, इंडस्ट्री आपको क्या लगता है कि हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं? एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने इंडस्ट्री लेड मॉडल के लिए पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी देखो, गवर्नमेंट का आप टेम्परामेंट देखिए मैं ये कि सोच रहा लॉन्ग हूँ स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स नहीं आए हैं। जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे यूएस से चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है तकरीबन 4 टाइम्स वो फेवर में है चाइना के, इसी तरह यस इंडिया और चाइना का बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी ह्यूजली इन फेवर ऑफ चाइना है, तो हाउ आर दीज ट्रेडिंग पार्टनर्स सर्वाइविंग देयर रिलेशनशिप विद चाइना? तो हम उस मॉडल से क्या नतीजा अखज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? हाँ नहीं, वो मॉडल, उसी मॉडल की वजह से तो वेस्ट और इंडिया भी अब बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स परेशान है और हेजिटेंट है टुवर्ड्स गोइंग फर्दर टुवर्ड्स चाइना। तो पाकिस्तान को एक्चुअली इन रियलिटी से बहुत ज्यादा लेसन लेने की जरूरत है। तो हमें जब हम सीपैक के मुआहदे पे साइन कर रहे हैं और उनके साथ डीपर डिटेल्स में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों की डिटेल्स तो हम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सेम पैटर्न पे हम जा रहे हैं विद SIFC, जो हमें इस वक्त उम्मीद है कि हमें UAE से एड आ जाएगी, और हमें चाइना के साथ हमें दोबारा उम्मीद है कि हमें 50 बिलियन डॉलर्स जो है वो हमें आ जाएंगे यूएसए, सॉरी KSA से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से। और उसके बाद हम फर्दर पेमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना से, और फिर हम एक IMF डील में भी जा रहे हैं। लेकिन तीनों के साथ हम किस तरह से मुआहदे लिख रहे हैं, वो कितनी डिटेल में उनपे होमवर्क हुआ है, किस किन बार्गेन्स पे काम हो रहा है, क्या लोन्स और एड्स हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के बहुत मसाइल हैं। मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नेंस मॉडल ट्रांसपेरेंसी के बगैर और बेटर कम्युनिकेशन के बगैर इफेक्टिव ही नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच आयशा मलिक फॉर योर टाइम टुडे, और माय प्लेजर। आपके देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा।